दोस्तों ये जो सामने आपको शानदार सा बिल्डिंग दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल इसी बिल्डिंग में रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज इस ब्लॉग में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के जुहू वाले घर को। वैसे तो उनके पास मुंबई में जुहू के अलावा भी और जगह घर है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको जुहू के घर को दिखाने वाले हैं। तो उनका घर जुहू में कहां पर है, कैसा है, किस लोकेशन पे है, वो जुहू में जिस घर में रहती है उस घर का क्या नाम है और उस घर का क्या प्राइस है, और वो जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के किस फ्लोर पे रहती है, ये सब कुछ बताऊंगा और उनके बारे में लगभग सारा जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी हम जुहू बीच से हल्का सा आगे आए हैं और ये जो आप लोगों को आगे की तरफ रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से आप आगे जाएंगे तो सांता क्रूज रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएंगे और यहीं से हमारे पीछे जो ये जो रास्ता सीधा गया हुआ है ना आगे, तो उसी से महज 50 मीटर के आगे जाएंगे तो उनके बिल्डिंग के पास चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके बिल्डिंग के पास और उनके बिल्डिंग को दिखाते हैं और उनके बारे में सारा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ पे थोड़ा सा आगे थे और वहीं से 50 मीटर की दूरी पे लगभग आए हैं, तो यहाँ पे कैटरीना कैफ के घर के पास पहुँच गए हैं और इस बिल्डिंग का नाम है राजमहल। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है, छोटा सा नेम प्लेट भी लगाया गया है। और दोस्तों इस बिल्डिंग को अगर ऊपर तक दिखाए तो देखिए ये कितना शानदार ये पूरा बिल्डिंग है और जिस बिल्डिंग का नाम राजमहल है और इसी बिल्डिंग में कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग के अंदर में यहाँ पे देखिए जूम करके अगर आप लोगों को दिखाए तो कितना सारा पेड़ पौधा लगाया गया है जिससे काफ़ी ज़्यादा शानदार ग्रीनरी देखने को मिल रहा है। और इस घर के बगल में गेट के इस तरफ आपको दिखाए तो देखिए इधर गार्ड रूम भी बनाया गया है जिसमें गार्ड रहते हैं गेट खोलने के लिए। और यहाँ के आसपास का नज़ारा दिखाया तो देखिए कितना शानदार इनके घर के आसपास का नज़ारा है। और दोस्तों इस बिल्डिंग के ठीक आप लोग पीछे जाएंगे तो पूरा समुद्र का इलाका है, जुहू बीच है। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे देखिए कितना सारा पेड़ पौधा लगाया गया है और इसके ऊपर तक दिखाया तो काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस बिल्डिंग से एक गाड़ी निकल रहा है और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक गार्ड है जो कि इस गेट को थोड़ा सा ज़्यादा खोल देंगे ताकि वो गाड़ी आराम से निकल जाए। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो है उनका भी इस बिल्डिंग में दो फ्लैट है, तो वो उनका कौन सा फ्लैट है वो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों पहले आपको कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बारे में आपको इस बिल्डिंग के बारे में सारा जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बारे में आपको बता दें। तो दोस्तों कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था और उनके पिता का नाम मोहम्मद काफ़ी है और उनके माता का नाम सुजैन है। दोस्तों कैटरीना कैफ ने अपने कैरियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग से की थी और उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें 2003 में सबसे पहला फिल्म बूम में काम करना शुरू की थी। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे शानदार मूवी में काम की जैसे नमस्ते लंदन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, प्रेम की गजब कहानी, राजनीतिक, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, वेलकम, एक था टाइगर और भी काफ़ी सारे फिल्मों में उन्होंने अपना शानदार भूमिका निभाई है जिसके लिए उन्हें काफ़ी सारा शानदार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और वो जब फिल्म कर रही थी, फिल्म के दौरान उन्होंने और कई लोगों के साथ उनका अफेयर यानी कि रिलेशन रह चुका है, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने फाइनली 9 दिसंबर 2021 को उन्होंने विक्की कौशल से शादी कर ली और शादी करने के बाद इस घर में आकर शिफ्ट हो गए। दोस्तों उसका जो पति है विक्की कौशल वो भी बॉलीवुड के एक अभिनेता है और उनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ था। और दोस्तों उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें यानी विक्की कौशल की, तो उनके पास 38 करोड़ की टोटल नेटवर्थ है और वे एक फिल्म में काम करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और दोस्तों आगे से तो हमने पूरा अच्छे से दिखा दिया है और चलिए पीछे बीच पर चलते हैं और वहाँ से इनके बिल्डिंग को अच्छे से दिखाते हैं और इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम जुहू बीच पर आ गए हैं। आप लोग इस तरफ जाएँगे आगे तो जुहू बीच पे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वहाँ आगे मिलेगा और इधर जो थोड़ा साइड में होने के कारण थोड़ा कम लोग आते हैं। और यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का आप लोगों को बिल्डिंग दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल रहते हैं। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर में आप लोगों को स्विमिंग पूल भी है। और दोस्तों इनके घर के इधर देखें तो पूरा देखिए कैसा सीन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पूरा लाइट लगाया गया है, ये भी नाइट के सीन में और भी काफ़ी शानदार दिखता है। और दोस्तों आपको बता दें कैटरीना कैफ की
होटल नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास 30 मिलियन डॉलर यानी कि 221 करोड़ की कुल संपत्ति है। और दोस्तों कैटरीना कैफ एक मूवी करने के करीबन 10 करोड़ रुपए चार्ज करती है और ये हीरोइन के रूप में सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाली अभिनेत्री में से एक है। और इनके घर के सामने इधर पूरा समुद्र है जहाँ से इनके घर के इस तरफ आप लोग ठंडा ठंडा पूरा हवा इनके बिल्डिंग में जाता है, आप लोग भी यहाँ पर रहेंगे तो ठंडा ठंडा बहुत महसूस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो में।